गाइस फाइनली वी आर रेडी। चॉकलेट्स मैंने यहाँ पर छुपाई है, यहाँ पर लाइक केशव की बैक टोपी पे, हुडी पे, मेरे यहाँ नीज पे, मेरे जो वॉलेट है उसके अंदर जेम्स गई हैं। वी आर एंजॉयिंग चॉकलेट, उसी सोना तैयार करते जो हम खुद ही घर से लेके आए। और वो हम सोच रहे हैं कि चॉकलेट्स या कुछ स्नैक्स तो वैसे पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, चॉकलेट्स चिपका के लेके जाएंगे, अपनी बॉडी पे छुपा के लेके जाएंगे। सो देखते हैं कि प्लान एग्जीक्यूट होता है या नहीं, उसकी तैयारियां कर रहे हैं हम, प्लानिंग हम प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि कैसे क्या छुपाना है, कपड़े कौन से डालने हैं। सो लेट्स सी अगर प्लान एग्जीक्यूट होता है। सो गाइस अभी हम आए हैं लोकल शॉप पे चॉकलेट्स लेने के लिए, हमने चलाया दिमाग, हमने लिया छोटी चॉकलेट। तो गाइस सामान हम ले आए घर पे एंड छोटी छोटी सी चॉकलेट्स लिए हैं, ज्यादा बड़ा कुछ लिया नहीं हमने, रिस्क क्यों लेना भाई, मॉल में ऐसे बेइज्जती हो जाए सबके सामने। सो लेट्स अभी रेडी होते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। ये सब कुछ चौथेलेबाजी जो हमने की है ये आपको देखने को मिलेगी शॉर्ट्स में, तो शॉर्ट्स देखने मत भूलना, फटाफट जाओ चैनल में और शॉर्ट्स देखो। फाइनली वी आर रेडी। चॉकलेट्स मैंने यहाँ पर छुपाई है, यहाँ पर लाइक केशव की बैक टोपी पे, हुडी पे, मेरे यहाँ नीज पे, मेरे जो वॉलेट है उसके अंदर जेम्स गई हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड, बस पकड़े ना जाए, डर बहुत लग रहा है। सो मैंने ये डाला है, आई एम वेरी 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 एक्साइटेड, सो लेट्स गो। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं पार्किंग में, सो लेट्स गो अपस्टेयर्स। अभी तो टिकट भी लेनी है और 15 मिनट रह गए हमारे शो में, हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं और जाम के भी लेट आए हैं, ताकि फटाफट चेकिंग हो और हमें भेज दे। वेरी एक्साइटेड, डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, बस देखते हैं कि क्या होता है। सो गाइस फाइनली एंट्री मिल गई, नीचे चेक की नहीं है, ऊपर चेक कर लिया, बड़ा मजा आया। गाइस थोड़ा सा मोपट हो गया, थोड़ा सा नहीं बहुत बड़ा मोपट हो गया, हमारे टिकट के अंदर इंक्लूडेड था खाना सारा कुछ, पैकेज फूड वाला हम ऐसे ही लेके आए अपने साथ में, वेस्ट जा रहा है यार, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो गलत बात है। सो कोई बात नहीं, अभी पॉपकॉर्न भी खाएंगे हम, खुशी नहीं हो रही इस बार पॉपकॉर्न खाने की। अभी हो रहे 12:30 एंड माई प्लान एग्जीक्यूटेड फाइनली, आई एम वेरी एक्साइटेड। हम चॉकलेट्स अंदर लेके जा चुके हैं, आप शॉर्ट में देख लीजिए, उसमें मैंने सब कुछ दिखाया है। अंदर बैठ के हमने चॉकलेट्स इंजॉय किए बहुत अच्छे तरीके से, बड़ा मजा आया, और कुछ चेक भी नहीं किया आपने, देखा ही है कैसे उन्होंने फटाफट ऊपर से चेक किया। अभी फटाफट घर जा रहे हैं, 12:30 हो गए, बहुत थक गए, आपको मिलते हैं कल सुबह। सो गाइस गुड मॉर्निंग, सो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30, अभी जस्ट उठे हैं, फ्रेश हुए हैं, तो भाई मेडिसिन वगैरह लिए मैंने एंड अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट, फिर रेडी होंगे आज के शिव के ट्यूशन 10:30, मतलब 1 घंटा है हमारे पास, तो फटाफट हमने रेडी होना है, इंदन जाना पुराने घर, के शिव को ट्यूशन छोड़ेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है, आपको मिलते हैं रेडी होने के बाद। फिर आज आपको दिखाते हैं केशव को उठाने में कितनी मेहनत लगती है सुबह सुबह स्कूल जाने के टाइम पे भी, और अगर वैसे उठा लो फिर भी गुड मॉर्निंग। इतना छोटा 6th क्लास हो गया।
दूध तो भी 6th क्लास हो गए। आजा सोने मेनू तो कभी किता नहीं है मैं। अच्छा सर परेशान कर गया ट्यूशन जाना घंटा रह गया जल्दी उठ के नहा तो कपड़े हाँ जल्दी तैयार हो चल सारे देख रहे हैं तेरे फ्रेंड्स स्कूल चिढ़ाएंगे Guys, I am ready. So this is what I'm wearing. This new T-shirt, full sleeves with half sleeves jacket. And अभी हम जा रहे हैं पुराने घर. So आपको उधर जाके मिलते हैं ऐसे ही अगर उधर देखते हैं क्रिकेट नहीं तो हम इधर आके देखेंगे. आज है IPL. IPL? नहीं. पता नहीं यार जो भी है बस फिनाले मैच है मुझे इतना नहीं पता क्रिकेट के बारे में. वर्ल्ड कप है हमारे इंडिया का इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सो विल सी लेट आई होप इंडिया जीते यार इंडिया का जीतना जरूरी है वैसे जीत जाएगी मेरा दिल कह रहा है बहुत पॉजिटिव वाइब्स है बाकी लेट्स सी क्या होता है भाई कुछ भी हो सकता है सो लेट्स गो अभी पुराने घर जाके मिलते हैं. सो गाइस हम पुराने घर आ चुके हैं केशव को भेज दिया ट्यूशन 11 बज रहे हैं एंड बस अभी लेटे हुए हैं 2 बजे मैच शुरू होगा. So we'll see who will win the toss first. So अभी देखते हैं कि क्या प्लान है किसको बुलाना है कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब कुछ देखेंगे एंड मैच भी देखेंगे. सो टिल देन सीधा आपको मैच के टाइम पे मिलते हैं. गाइस अभी इंडिया की फ्रंट कैमरे का नहीं नुकसान है दूजा बंदा ना अपना बाल ही देखी जाता है और तू ब्लर चाह रहे हैं चल ओए हूँ मैं ब्लर चाह गया. सो गाइस इंडिया की टर्न चल रही है और इधर हमारी इंडिया की टर्न चल रही है. सो बस ऐसा कुछ चल रहा है देख लो पीछे. गाइस इंडिया ने किया हमें निराश इतना अच्छा नहीं खेल रही जितना अच्छा सेमीफिनाल में खेली थी जितना मैंने देखा था और जो ये सारे भी बोल रहे हैं कि इंडिया इज नॉट प्लेइंग लाइक गुड. तो कोई बात नहीं लेट्स सी कि व्हाट इज द रिजल्ट क्या पता ऑस्ट्रेलिया भी ना खेले तो विल सी कि क्या होता है. सो गाइस फाइनली इंडिया का मैच बहुत हद तक कंप्लीट होने वाला है 50 ओवर्स नियर अबाउट कंप्लीट होने वाले हैं. इंडिया ने निराशाजनक परफॉर्मेंस दी है बाकी ऑस्ट्रेलिया का कुछ नहीं पता क्या पता वो उससे भी गंदा खेले बट अभी इंडिया के जीतने के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं जैसा कि मुझे सुनने में आया बिकॉज मैंने तो देखा नहीं क्रिकेट. सो कोई बात नहीं बाकी लेट्स सी कुछ भी हो सकता है ना है ना अभी पड़ी है बैटिंग भी पड़ी है एंड ऑस्ट्रेलिया की भी बारी पड़ी है अभी देखते हैं कि क्या होता है. बट जो बोल रहे हैं ऑब्जर्वेशंस में आया है कि इंडिया के चांसेस बहुत कम है सो बाकी विल सी व्हाट विल हैपन. सो गाइस फाइनली इंडिया की बैटिंग खत्म हो चुकी है इंडिया ने मारे 248 रन. नाउ इट्स टाइम टू सी ऑस्ट्रेलियाज बैटिंग लेट्स सी ऑस्ट्रेलिया डिसाइड करेगी कौन जीत रहा है कौन हार रहा है. सो गाइस फाइनली इंडिया इज ऑलमोस्ट विनिंग सीरियसली. बुमराह एंड शमी हैज प्लेड वेरी गुड बैक टू बैक 3 विकेट्स एंड सीरियसली मेड इन ओवर 1 रन एंड सीरियसली खुशी मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाए हम तब सीरियसली इतना ज़्यादा खुश है ना सारे पक्के भी देखते हैं बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इंडिया के जीतने के. सो विल सी हु विल विन. तो गाइस यहाँ पर चल रहा है क्रिकेट ये देख लो वो ऊपर रखा हुआ स्पीकर और नीचे ये सारे अपने अपने फोनों में लगे हुए हैं वहाँ पर टैब में लगे हुए हैं. होए 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 होए. सो गाइस मैच हारने के बाद में क्या मतलब जब मैच हार रहे थे तब हमारे बुआ जी आ गए थे कुराली से चाचू जी आ चुके थे चाची जी आ चुके थे उनका क्यूट सा बजबी आ चुका था. सो हम उनके साथ गए डिनर पे जब हम डिनर पे गए वहाँ पर मैच देखा और इंडिया हमारी हार गई 8 विकेट से. इतना दुख हुआ ना है चलो कोई बात नहीं खेल है चलते रहते हैं हार जीत तो एक को हारना था एक को जीतना था ऑस्ट्रेलिया जीत गई चलो कांग्रेचुलेशन ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट टाइम इंडिया जीतेगी. हम चाहेंगे कि इंडिया दोबारा जाए वर्ल्ड कप में और जीत के लेके आए. तो बस वो वाला व्लॉग आपको देख ले बुआ जी वाला व्लॉग आपको देखने को मिलेगा अगले व्लॉग में. ये व्लॉग छोटा बस इतना ही रखेंगे बिकॉज इसके बाद व्लॉग करने का मन नहीं किया. तो आपको वो क्यूट सा बेबी की पिक दिखा देता हूँ मैं इधर. सो ये वाला बेबी का व्लॉग देखना मत भूलना इतने हमने इसके साथ मतलब क्या बताऊँ क्या किया अगले व्लॉग में देखना आप. सो टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज फॉर माय बॉयज कमेंट्स कर देना कुछ भी. बाय.